भारत में मारुति सुजुकी की गाड़ियों की काफी ज्यादा डिमांड है। कंपनी बहुत जल्दी अपनी नई एसयूवी कार यानी सुजुकी विटारा को लॉन्च नए अवतार में करने वाली है। मारुति सुजुकी होंडाई मोटर्स, किया मोटर्स तथा टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसी कंपनियों को चुनौती देने के लिए एसयूवी सुजुकी विटारा के नाम से एक नई एसयूवी भारत में ला रही है। हाल ही में टेस्टिंग के दौरान नई एसयूवी सुजुकी विटारा को झलक में देखा गया है और इस कार को पूर्ण रूप से विटारा ब्रेजा से काफी स्टाइलिश और बोल्ड लुक मार्केट में मिल रहा है। कंपनी एसयूवी मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा के बाद अब सुजुकी विटारा नाम से एक जबरदस्त प्रोडक्शन मॉडल को भारत में आप सभी के लिए ला रही है। भारत में आ रही मारुति सुजुकी की एक और माइक्रो एसयूवी कार यानी विटारा फेसलिफ्ट को टेस्टिंग के दौरान हाल ही में भारत में कई बार स्पॉट किया गया था, जिसके बाद से अब खबरें निकल के आ रही है कि कंपनी गुरुग्राम के मानेसर प्लांट में स्थित इस कार के प्रोडक्शन मॉडल को रेडी कर रही है तथा वहां पर इस कार को बनाने का कार जोरों से चल रहा है। एसयूवी का प्रोडक्शन भी शुरू कर चुकी है और साथ ही साथ अब भारत में लॉन्च भी होने वाली है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मारुति सुजुकी विटारा को कंपनी विश्व स्तर पर भारत के लिए पेश करेगी। लॉन्चिंग के साथ ही बिक्री और डिजाइन और अपडेट डिलीवरी भी इस कार की शुरू भारत में की जा रही है। इस एसयूवी को भारतीय बाजार में विटारा नाम से लॉन्च किया जाएगा। हालांकि डिजाइन के तहत इस कार को विटारा ब्रेजा से काफी अलग बोल्ड लुक भारत में मिला है। इसके इंटीरियर और फीचर्स में बड़े बदलाव आप सभी को दिखाई देंगे, जो कि विटारा ब्रेजा से विटारा को काफी अलग भारत में बनाने वाले हैं। अपडेट एक्सटीरियर की बात ही कर ली जाए तो आखिरकार ये कार बाहर से कैसी नजर भारत में आ रही है। तो न्यू विटारा एक्सटीरियर की बात करें तो इसमें एक नए डिजाइन वाली ग्रिल और फ्रंट फेसिंग ऑप्शन नया दिखाई देगा, जो कि आप सभी के वाक्य में ही होश उड़ाने वाला है। इसमें फ्लेक्सिबल वैगनर और एंटीका के साथ ही नए डुअल पैड प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स की उम्मीद मिलने की संभावना 100% बढ़ जा रही है और देखने में फ्रंट बम्पर को थोड़ा रिप्रेजेंट किया गया है और साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल अपडेट भी दिया गया है और इसमें नए एलईडी फॉग लैंप्स और एक फॉक्सिंग सीट प्लेट ऑप्शन भी दिखाई देती है। पूर्ण रूप से दिखने में ये कार विटारा ब्रेजा से अलग और एग्रेसिव लुक के साथ आती है। अब साइड प्रोफाइल मौजूदा मॉडल से दोस्तों काफी अलग होता है। इसमें नए डिजाइन के अलॉय व्हील जो कि 17 इंच की आप सभी को विटारा में दिखाई देते हैं, जो कि कम्फी फिटेड आपको चारों टायर में मिलते हैं और साथ ही साथ टेस्टिंग के दौरान देखे गए मॉडल के अंदर आप सभी को फ्रंट पे एलईडी लैपटॉप्स और रिवाइंडर बम्पर को भी संचालित किया गया है, जो कि इस कार के लुक को एक जबरदस्त बोल्ड लुक प्रदान करता है। और शेप शार्क फिनिशिंग एंटीना रूफ रील्स और रूफ मॉनिटरिंग स्पाइलर और रीडिस्प्लिंग अपडेट ऑप्शन के साथ इस कार को लाया गया है, जिसके कारण ये कार वाकई में ही भारत में मारुति सुजुकी की तहलका मचाने वाली। इंजन तथा पावर की बात करी जाए तो भारत में आ रही मारुति सुजुकी की एक और जबरदस्त एसयूवी कार यानी विटारा के अंदर आप सभी को 1.5 लीटर का K15 नेचुरल एसिड टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिखाई देने वाला है, जो कि भारत की सड़कों पर आप सभी को 103 bhp की जबरदस्त पावर के साथ 137 nm का पिकअप टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखता है। इस जबरदस्त इंजन की खासियत दोस्तों ये है कि ये कार 5 सेकंड में ही पूर्ण रूप से 180 पार होने वाली है, क्योंकि इस जबरदस्त इंजन के मुकाबले इस कार के अंदर आप सभी को 6 स्पीड AMT तथा मैनुअली गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है, जो कि ऑटोमेटिक द्वारा संचालित किया गया है। इसके माइलेज की पूर्ण रूप से बात करी जाए तो कंपनी का ये भी कहना है कि हमारी आने वाली विटारा फ्यूल एफिशिएंट के साथ भारत की सड़कों पर काम करती, यानी कम लागत के चलते जबरदस्त परफॉर्मेंस आप सभी को इस कार के जरिए भारत में मिलता है, जिसके कारण 28 से लेकर 31 के आसपास ही जबरदस्त माइलेज आप सभी को प्रति लीटर में प्रदान करती। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कार के इंजन और कार को कितना पावरफुल डिजाइन मारुति सुजुकी ने कड़ी टक्कर लेने के लिए अन्य कारों से किया है। फीचर्स की बात करी जाए तो मार्केट में आने वाली विटारा नाम से एक और जबरदस्त न्यू एसयूवी कार के इंटीरियर फीचर्स में क्या खास बदलाव आपको मिलते हैं। तो भारत में पहले से मौजूद विटारा ब्रेजा एसयूवी कार के अंदर आपको 7 इंच का टच स्क्रीन फुल साइज स्टूडियो अपडेट सिस्टम दिखाई देता था, मगर विटारा के अंदर आप सभी को कंपनी की तरफ से पूरे बड़ा यानी 9 इंच का टच स्क्रीन ऑप्शन दिखाई देता है, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले सपोर्ट नेविगेशन सिस्टम यूवीआई कनेक्टिविटी
सिक्योरिटी कंट्रोल सिस्टम द्वारा संचालित किया गया है, जिसको वॉइस कमांड से भी एक्सेस किया जा सकता है, जो कि भारत के लिए काफी अनुभव नया होने वाला है। डैशबोर्ड को ब्लैक तथा सिल्वर कॉम्बिनेशन स्पोर्ट डिजाइन दिया गया है, जो कि बैठने के बाद ग्राहकों को फील करवाने वाले कि हाँ भाई, ये कार अब वाकई में ही नए अवतार के साथ भारत में दिखाई दे रही है। इसके अलावा ऑटो एसी क्रूज कंट्रोल से लेकर पुश बटन स्टार्ट स्टॉप एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एबीडी और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स की लिस्ट आप सभी को कार में मिलती है। साथ ही साथ इस कार में वायरलेस चार्जिंग की सुविधा और दोनों साइड ऑटोमेटिक एसी अपडेट और 2.0 पे आधारित प्यूरिफिकेशन सिस्टम ऑप्शन, जो कि कार के अंदर की वायु को स्वच्छ प्रदान आप सभी को करता है। साथ ही साथ सबसे खास बात की कार की सीटों को काफी कंफर्ट डिजाइन किया गया है, जिसके चलते कार में आप सभी को काफी कंफर्ट लॉन्ग ड्राइव करते हुए आने वाला है। सेफ्टी फीचर्स की बात करी जाए तो ग्लोबल एनसीपी और क्रैश टेस्ट मानकों के तहत भारत में आई विटारा नेक्स्ट जनरेशन विकल्प को नए अवतार के साथ पूरे 4.6 की रेटिंग प्रोवाइड की गई है, जो कि विटारा ब्रेजा से थोड़ी सी ज्यादा है। जी हाँ, क्योंकि ये विटारा ब्रेजा का नया नेक्स्ट वेरिएंट है, जिसको विटारा के नाम से कोड नेम दिया गया है। साथ ही साथ कार को हाईटेक प्लेटफॉर्म पर डिजाइन किया गया है, जिसके चलते 50% तक स्टेनलेस स्टील द्वारा अपडेट किए गए स्टील से बनाया गया है, जिसके कारण उबड़ खाबड़ ग्रामीण क्षेत्रों पे आप सभी को इस कार में कम झटके मिलने वाले हैं। कार के फ्रंट पे पूरे 5 एयरबैग्स के साथ साइड एयरबैग्स की सुविधा मिलती है। एबीडी टेक्नोलॉजी के साथ ABS, रियर पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, 360 डिग्री बैक तथा फ्रंट कैमरे को शामिल किया गया है। IFSOFIX लॉकिंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल, एक्शन कंट्रोल जैसे बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट आप सभी को इस प्रीमियम कार में मिलने वाली है। तो देरी किस बात की भाइयों, अगर आप इस कार को सबसे पहले बुक करना चाहते हैं और विटारा ब्रेजा के शौकीन हैं, तो विटारा की तरफ जाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से ये जबरदस्त विकल्प आप सभी के लिए रीजनेबल प्राइस रेंज में भारत में लॉन्च होने वाला है। मारुति सुजुकी की इस विटारा के फेसलिफ्ट अपडेट वेरिएंट की कीमतों को पूर्ण रूप से खुलासा मार्केट के लिए किया जा चुका है, लेकिन जानकारों के मुताबिक इस कार को मार्केट के लिए नेक्स्ट वीक तक फाइनली लॉन्च किया जा सकता है। कंपनी ने स्टार्टिंग कीमत इस कार की 6.70 लाख रुपए एक्सट्रीम प्राइस रखी है और इस कार को दो वेरिएंट ऑप्शन के साथ लॉन्च किया जाएगा। टॉप वेरिएंट की कीमत दोस्तों 7.90 लाख रुपए एक्सट्रीम प्राइस होने वाली है। ऑन रोड आते हुए ये कार आपको 7.40 लाख रुपए बेस वेरिएंट की पड़ने वाली है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों इस प्राइस रेंज के अंदर आप सभी को एक बड़ा पैकेज इस कार में मिलने वाला है। अगर आपको कोई और कार भी पसंद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कंपैरिजन में कौन सी कार इस कार को टक्कर दे सकती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की न्यू अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।